हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एच फॉर हॉरर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी दिल्ली के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक अग्रसेन की बावली की है। इस कहानी के एंड में हम इस जगह से जुड़ी सच्ची घटनाओं की बात करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ अग्रसेन की बावली घूमने गई। वहाँ से आने में मुझे कुछ देर हो गई। जब मैं घर पहुँची तो मेरे पापा घर पर ही थे। पापा ने पूछा, आज आपको इतना देर क्यों हो गई। मैंने बताया कि पापा, आज मैं अपने दोस्तों के साथ अग्रसेन की बावली घूमने गई थी। मैंने मेरे पापा के चेहरे में कुछ बदलाव महसूस किए। मुझे लगा मेरे पापा मेरे लेट आने की वजह से गुस्सा हैं। पापा से कहा, पापा मैं सिर्फ आज ही अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी। मेरे पापा ने कहा, बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं बस उस जगह के बारे में सोचकर थोड़ा सा टेंशन में आ गया हूँ, वो जगह बहुत ही डरावनी है। मैंने कहा, पापा नहीं, हम तो वहाँ घूमने गए थे और हमें बहुत मज़े भी आए। हाँ, लोगों से मैंने उस जगह के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं, पर मैं उन बातों पे विश्वास नहीं करती। पापा ने कहा, बेटा वो कहानियाँ नहीं हैं, उनमें से एक घटना तो मेरे साथ भी हुई थी। इतना कहकर पापा अपने दोस्त और अपनी कहानी मुझे सुनाने लगे। पापा ने कहा कि ये बात तब की है जब दिल्ली इतनी भीड़ भाड़ वाली नहीं थी और काफ़ी हरी भरी भी थी। लगभग 20 से 25 साल पुरानी बात, तब मैं मंडी हाउस के पास ही जॉब किया करता था। वहाँ पर जॉब करने के लिए मैं घर से पैदल ही चले जाया करता था, क्योंकि हमारा घर वहाँ से 6 से 7 किलोमीटर ही दूर था और उस टाइम पर लोगों का पैदल आना जाना बहुत ही नॉर्मल बात थी। कभी कभी मैं और मेरा दोस्त ऑफिस से निकलने के बाद आसपास की जगह घूम लिया करते थे। ऐसे ही एक दिन हमने घूमने जाने का प्लान किया। हम ऑफिस से फ्री होने के बाद इधर उधर घूमने निकल गए। घूमते घूमते पता नहीं कब हम अग्रसेन की बावरी पहुंच गए। उस टाइम पर वो जगह बहुत से जंगल से घिरी हुई थी, शायद ही कोई वहां आता जाता होगा और सरकार को भी इस बारे में शायद पता नहीं था, और अगर पता भी था तो उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया था। वो अग्रसेन की बावली चारों तरफ से जंगल से घिरी हुई थी। उस टाइम पे ना तो स्ट्रीट लाइट्स इतनी होती थी और ना ही लोगों के पास फ़ोन हुआ करते थे, इसलिए हमेशा लोगों के पास टॉर्च रखे होते थे। तो मैंने और मेरे दोस्त ने भी अपनी अपनी टॉर्च निकाली और हम उस जगह को घूमने लगे। उस जगह पर नीचे सीढ़ियों से उतरने के बाद बहुत सा पानी था। ये सब देखने के बाद मेरे दोस्त ने कहा कि ये तो एक बावली है। मैंने कहा, वो क्या होता है। उसने कहा, ये पुराने ज़माने में पानी को सेव करने के लिए बनाया जाता था और इसमें सीढ़ियाँ इसलिए दी जाती थी ताकि जब पानी का लेवल ऊपर हो तो आप ऊपर से ही पानी ले लो और अगर नीचे चला जाए तो आप नीचे उतर कर पानी ले सको। क्योंकि वो राजस्थान से था इसलिए उसे इस बारे में ज़्यादा पता था। मैंने कहा, अच्छा। तो हम लोग उस जगह को देखने लगे। उधर सीढ़ियों के पास ही बहुत से कमरे बने हुए थे। वो कमरे उस वक्त तो खुले ही रहते थे, आजकल शायद वो कमरे बंद कर दिए गए हों। वो कमरे आपस में अंदर से सुरंगों से जुड़े हुए थे। हम दोनों इधर उधर जाकर एक दूसरे को आवाज़ देने लगे। हम एक दूसरे से जितना भी दूर होते लेकिन उन कमरों की सुरंगों की वजह से हम दोनों को एक दूसरे की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। अब हमें इसमें मज़ा भी आने लगा था। हम और दूर जाकर और ज़ोर से अपना नाम चिल्लाते और ऐसा करते करते हमें पता ही नहीं चला कि कब हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए। अब मैं अपने दोस्त को इधर उधर ढूंढने लगा। तभी मुझे एक लाइट दिखी जो कि मैंने सोचा मेरे दोस्त के टॉर्च की लाइट है। मैं उसकी तरफ दौड़ता हुआ गया। वो लाइट आगे की तरफ चलती जा रही थी। मैं उसके पीछे पीछे गया। पीछे पीछे कुछ देर चलने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं उस बावली के बिल्कुल सेंटर में आ गया हूँ।
अब उसके चारों तरफ पानी था। वो पता नहीं कौन से रास्ते से मैं उस जगह पहुंच गया था। थोड़ी देर बाद देखा तो वो लालटेन की रोशनी थी और उस लालटेन को एक औरत ने पकड़ा हुआ था। मैंने पास जाकर देखा, वो औरत बहुत ही पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थी, कोई राजा महाराजाओं के टाइम की। मैंने सोचा कि शायद कोई बंजारन हो जो आसपास घूमने आई हो हमारी ही तरह। मैंने पास जाकर देखना चाहा तो उससे पहले ही वो औरत दौड़ती हुई उस पानी में कूद गई। ये सब देखकर मैं खुद को संभाल ही रहा था कि अचानक मैंने देखा कि एक के बाद एक नहीं हजारों लोग उसमें कूदते चले गए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि उन सब लोगों के कपड़े एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे और ऐसा लग रहा था वो किसी अलग अलग टाइम के लोग हों। मैं ये देखकर बहुत डर गया। तभी एकदम से पानी बिल्कुल शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं डर के मारे कांपने लगा। मैंने सोचा शायद मुझे कोई वहम हुआ है। मैंने पानी के पास जाकर चेक करने की सोची। पानी बिल्कुल शांत हो गया था। मैंने ध्यान से देखा तो वह पानी बिल्कुल काला दिख रहा था। मैं जैसे ही पानी में झांक कर देखने लगा तभी दो हाथों ने मुझे फट से पकड़कर पानी में खींच लिया। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा लेकिन उनकी पकड़ बहुत ही मजबूत थी। मैं खुद को धक्का देता जा रहा था लेकिन मैं उनसे छूट ही नहीं पा रहा था। उन्होंने तो लगभग मुझे आधे पानी में खींच लिया था। तभी मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मेरे दोस्त ने मेरी आवाज़ सुनी और वो दौड़ा दौड़ा पता नहीं कैसे उस जगह पर आया। उसने बड़ी मुश्किल से मुझे खींच कर बाहर निकाला और ज़ोर से गुस्से में चिल्ला कर पूछा, अगर तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम पानी में कूदे ही क्यों? मैंने कहा, मैं उस पानी में नहीं कूदा, मुझे किसी ने अंदर खींचा है। उसने कहा कि पहले इस जगह से बाहर चलते हैं। हम दौड़ते दौड़ते उस जगह से बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मुझे भी कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कि वो पानी में कुछ हो जो कि आपको अपनी तरफ खींच रहा हो और पानी में कूदने के लिए बोल रहा हो। मैं भी उस पानी की तरफ ऐसे ही आकर्षित होता चला जा रहा था लेकिन तभी मैंने तुम्हारी चीख सुनी जिससे मेरा ध्यान बट गया। हम वहाँ से फटाफट घर पहुँच गए। आज भी उस चीज़ के बारे में बात करते हुए हम दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद मैं आज तक कभी भी अग्रसेन की बावली को देखने नहीं गया हूँ। अग्रसेन की बावली की बात करें तो यहाँ जाने के लिए बाराखंबा रोड मेट्रो स्टेशन से आप पैदल जा सकते हैं। ये लगभग वहाँ से 400 मीटर दूरी पर है। इसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ पर बहुत से लोगों ने सुसाइड किया हुआ है जिसकी वजह से यहाँ का पानी काला पड़ चुका है और ये पानी लोगों को इसमें कूदने के लिए अपनी तरफ आकर्षित करता है। और यहाँ पर बहुत से सुसाइड होने के कारण इस जगह को दिल्ली के हॉन्टेड प्लेसेस में से एक माना गया है। लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि यहाँ पर लोगों के चीखने और पायलों की छन छन की आवाज़ भी सुनाई देती है। इसी के साथ हम अपनी कहानी ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली कहानियाँ नहीं सुनी हैं तो ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करें और हमारी कहानियाँ सुने। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबाएं जिससे कि नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओके, बाय।